तो भैया मुंह में कछु चबाउत जे पटवारी जी गुटका नहीं चबा रहे बल्कि जे नोट चबा रहे। अब आप सोचो कि पटवारी बन के जे इतने अमीर हो गए कि आखिर गुटका की जगह नोट चबान लगे, सो आपकी सोच तरह गलत हुई है। काय के जे पटवारी जी जरा 5,000 रुपया की रिश्वत ले रहे थे और ई के बाद जब जबलपुर लोकायुक्त ने इनको रंगे हाथ दबोचे, सो इनने रिश्वत खोरी की सबरी रकम खो निगल लाओ और चबान लगे। एक अधिकारी ने इनके मुंह में से रकम को निकालने की कोशिश करी, सो रिश्वतखोर हल्का पटवारी ने वो अधिकारी की उंगली को काट लो। कटनी जिला के बिलहरी में हल्का पटवारी के पद पर पदस्थ हैं गजेंद्र सिंह। इनने चंदन लोधी नाम के व्यक्ति से जमीन सीमांकन और रिपोर्ट के बदले रिश्वत की मांग करी, जी की शिकायत लोकायुक्त से करी गई और रिश्वत की रकम लेवे के लाने गजेंद्र सिंह ने अपने निजी कार्यालय में चंदन को बुलाओ। इसके बाद पूर्ण नियोजित तरीके से लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करी और यही बीच पटवारी जी को समझ में आ गई कि वे पकड़े गए, सो 500 के 9 नोटों को चबा के निगल के कार्रवाई से बचने को प्रयास करे। पटवारी के द्वारा चबाए गए निगले गए नोटन को निकालवे किला ने उन्हें कटनी के जिला अस्पताल ले आओ गो। इतने डॉक्टरों की टीम ने विशेष उपचार दे के नोटन की गली हुई गुद्दी निकाली। शायद ऐसा पहली बार हुई है कि सबूत की खातिर पेट में गए पैसा उगलवावे किला ने पुलिस रिश्वतखोर को लेके अस्पताल पहुंची। चंदन सिंह लोधी निवासी बरखेड़ा, उनके द्वारा शिकायत की गई कि उनके दादा की जमीन है बरखेड़ा में, तो जमीन के सीमांकन और उसकी रिपोर्ट देने के वजह से संबंधित जो हल्का पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसमें 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग करने की शिकायत की। इस शिकायत के सत्यापन के उपरांत 5 दिनांक को आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहाँ पर रिश्वत आवेदक द्वारा दी गई। उसी दौरान टीम द्वारा ट्रैक किया गया, जैसे टीम द्वारा ट्रैक करने कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके चबा करके नष्ट करने की कोशिश की। कितनी राशि थी? 4,500 रुपये। सर, तो उसके बाद क्या किया गया? जैसे उन्होंने चबा लिया, उसे प्रयास किया कि बाहर निकाल दे, लेकिन उसे द्वारा नहीं निकाला गया, तो आज उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से डॉक्टर साहब द्वारा उसे नोटों को जब्त किया। जब्त क्या क्या की गई? नोटों का टुकड़े है, कुछ लुपटियाँ हैं जो जब्त हुई। लेन देन के मामले में क्या क्या जब्ती की गई? जो रिश्वत अभी तो जो राशि है वो तो जब्त नहीं हुई, बाकी दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। अब भैया पटवारी जी रिश्वत ले रहे थे और इसके बाद जब पकड़े गए, सो उन्होंने जो कारनामा करे और जो ये कारनामा आप सुर्खियों में है। कटनी से अनुराग त्रिसोलिया, बुंदेली पोछार किलोने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।